हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन एंड डिजाइनिंग। और आज का हमारा टॉपिक है फंक्शन ब्लॉक। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फंक्शन ब्लॉक। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंस्ट्रक्शन लिस्ट में आपको बहुत सारे ब्लॉक देखने को मिलते हैं। कुछ हमारे पास में सिस्टम डिफाइंड ब्लॉक्स हैं, जैसे आपका काउंटर के ब्लॉक हैं, कन्वर्टर के ब्लॉक्स हैं, कंप्यूटर के ब्लॉक्स हैं। ये सारे ब्लॉक्स सिस्टम डिफाइंड हैं, यानी कि जो डेवलपर है उन्होंने इसको डिजाइन किया हुआ है। अगर हमें अपना कोई ब्लॉक यूज़ करना है, देखिए ये जो आप कंपैरेटर ब्लॉक है, इसके बैकएंड में एक प्रोग्राम बना हुआ है जो कि दो इनपुट्स को कंपेयर कर रहा है। यहाँ पर क्या किया गया है, इसके बैकएंड में एक प्रोग्राम बना करके इसको एक ब्लॉक फॉर्मेशन में ले लिया गया है, जिसमें आप जस्ट इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं, दो इनपुट, और आपको यहाँ पर रिजल्टेंट आउटपुट मिलता है। इसी तरीके से जैसे आप यहाँ पर कुछ और ब्लॉक्स को यूज कर सकते हैं, जैसे हमारे पास में इंस्ट्रक्शन एडिशन ब्लॉक है, तो आप टू इनपुट्स को इंसर्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपको आउटपुट ऑप्टेन हो जाती है। अब ये कैसे ऑप्टेन होती है, इसके पीछे से कैसे प्रोग्रामिंग होती है, ये सारी चीज़ें सीखेंगे हम इस सेशन में, जो कि है हमारा फंक्शन ब्लॉक। तो गाइस, इस वीडियो में आप देखेंगे कि जो आपका स्टार्ट टू डेल्टा कन्वर्टर है, इसमें ये स्टॉप, स्टार्ट, टीडी, टीवी वैल्यू, स्टार्ट काउंट, डेल्टा, डेल्टा कॉन्टेक्टर, स्टार कॉन्टेक्टर, मेन कॉन्टेक्टर, ये जो इनपुट और आउटपुट हैं ये कैसे क्रिएट किए जाते हैं, इसके बैकएंड पर कैसे प्रोग्राम होता है, कैसे इंटरफेस आपको डिक्लेयर करने होते हैं, इनपुट और आउटपुट डिक्लेयर करने होते हैं, और किस तरीके से ये जो प्रोग्राम है फिर ब्लॉक में कन्वर्ट होता है और आप इसको एज ए ब्लॉक यूज़ कर सकते हैं एनी टाइम एनी वेयर इन योर प्रोग्राम। तो लेट्स स्टार्ट। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक ब्लॉक जो कि है आपका स्टार टू डेल्टा कन्वर्टर, और इससे रिलेटेड वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। तो जो भी आप ये नए हैं वीडियो पर, वो प्लीज़ प्रीवियस वीडियो को जरूर देखें स्टार टू डेल्टा कन्वर्टर की, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगी। स्टार टू डेल्टा के लिए कंप्लीट प्रोग्राम मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है, तो आप उसको देख सकते हैं। इस इंस्ट्रक्शन लिस्ट में हमें एक ब्लॉक का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ब्लॉक। इस टाइम पर इस लाइब्रेरी के अंदर कोई भी ब्लॉक नहीं है, हमें क्या करना है, यहाँ पर अपने यूजर डिफाइंड ब्लॉक हमें बनाना है। तो एवरी ब्लॉक को आप यूज़ करते हैं फॉर यूजर डिफाइंड पर्पज के लिए, आपको अपने यूजर डिफाइंड ब्लॉक्स अपने प्रोग्राम में इंसर्ट करने के लिए, इसको कभी भी आप इंसर्ट कर सकते हैं, कभी भी प्रोग्राम में उसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको उसको क्रिएट करना होगा। सीमेंस के पास अपने काफ़ी ब्लॉक्स बने हैं, दीज आर सिस्टम डिफाइंड ब्लॉक्स। तो यहाँ पर आप देखेंगे, जैसे मैं ये काउंटर का एक ब्लॉक लगा लेता हूँ, तो यहाँ पर क्या है, ये काउंटर का एक ब्लॉक बना हुआ, उसकी बैक एंड पर क्या है, एक प्रोग्राम किया गया है, देन इस उस प्रोग्राम को इस ब्लॉक में कन्वर्ट किया गया। के लिए हमें कुछ फील्ड जो है क्रिएट करने होते हैं, जैसे यहाँ पर है सी यू एस पी वी आर, दीज आर द इनपुट्स, एंड काउंटर आउट एंड आउटपुट्स आर क्यू सी वी सी वी अंडर सी वी। ये फील्ड आपको क्रिएट करने पड़ेंगे और इसके बैक एंड पर आपको एक प्रोग्राम राइट अप करना पड़ेगा, यही हम आज करने वाले हैं। यहाँ पर मैं फंक्शन ब्लॉक बनाना चाहता हूँ, जैसे मैं स्टार और डेल्टा कन्वर्टर के लिए एक प्रोग्राम बनाऊँगा, और फर्स्ट मुझे क्या करना होगा कि उस प्रोग्राम को क्रिएट करना होगा, देन उस प्रोग्राम को फंक्शन ब्लॉक में डेवलप करना है, ठीक है। तो एवरी ब्लॉक को क्रिएट करने के लिए आपको सबसे पहले सिमेंटिक मैनेजर के इस पेज पर जाना होगा, और यहाँ पर राइट क्लिक करके आपको इंसर्ट ऑब्जेक्ट पर जाना है, और यहाँ से फंक्शन ब्लॉक पर क्लिक करना है। फंक्शन ब्लॉक पर क्लिक करते ही यहाँ पर आपको आ जाएगा नेम, और यहाँ पर मैं अपना सिंबल नेम चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ स्टार डेल्टा कन्वर्ट, स्टार टू डेल्टा कन्वर्ट, ये मैंने नेम दे दिया अपना सिंबल नेम, एंड ओके यस कर दीजिए। ओके, यहाँ पर आपका एक स्टार टू डेल्टा कन्वर्टर का ओपन हो जाता है, ठीक है। एफ बी वन करके आपका एक ब्लॉक ओपन हो गया, दैट इज स्टार टू डेल्टा कन्वर्टर। अब हमें क्या करना है, इस ब्लॉक को ओपन करना है और यहाँ से आपको प्रोग्राम को राइट अप करना है। यहाँ पर सबसे पहले आप अपना स्टार टू डेल्टा कन्वर्टर के लिए एक प्रोग्राम डिजाइन कर लीजिए, तो फटाफट मैं प्रोग्राम डिजाइन कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने स्टॉप का बटन दे दिया, देन आप यहाँ पर स्टार्ट का बटन देंगे, और यहाँ पर आपका यूज़ होता है टाइमर, ओ डी टी में यहाँ पर यूज़ कर लेता हूँ, और इसके बाद हमें यूज़ करना है, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ इसको स्टॉप, ठीक है, एंड यहाँ पर है मेरा स्टार्ट, यहाँ पर आता है आपका मेन का लैच, ठीक है, और यहाँ पर आपको देना होता है टाइमर नेम, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टाइमर,
नेम या नंबर लिख लीजिए, टाइमर नंबर, ठीक है। यहाँ पर आपको देना है होता है टाइमर वैल्यू, तो यहाँ पर मैं देता हूँ टाइमर वैल्यू टीवी, टीवी लिख लेते हैं यहाँ पर टीवी, टाइमर वैल्यू, ये भी आपको देना पड़ेगा। बाकी अगर आप चाहो तो यहाँ पर इनको मेंशन कर सकते हो, अगर आपको अपने ब्लॉक में इनको दिखाना है, अगर ज़रूरत नहीं है, जो हमारा काम है हमें वही करना है, क्योंकि स्टार्ट करना है और आपका क्या हो जाता है, स्टार्ट करते ही इन और स्टार आपका इनेबल हो जाता है। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, एक एनसी यूज़ करना है टाइमर का और देन स्टार कॉन्टेक्टर को। यहाँ पर मुझे क्या करना है, टाइमर T0 T1 T2 के लेता था मैं, तो यहाँ पर मुझे इस टाइमर नंबर को मेंशन करना है, क्योंकि मैं क्रिएट कर रहा हूँ अपना ब्लॉक। अब मैं प्रोग्राम के बजाय अपने ब्लॉक से क्या कर सकता हूँ, स्टार डेटा कन्वर्टर को ऑपरेट कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपको लिखना है स्टार कॉन्टेक्टर, क्योंकि ये स्टार का क्या है, आउट है, स्टार कॉन्टेक्टर, ठीक है, ओके। अगेन आपको नेक्स्ट लाइन से क्या करना है, आफ्टर सम टाइम टीवी वैल्यू के बाद आपका ये जो डेटा है ये ऑपरेट होता है, और ये आपका टाइमर नंबर टाइमर से ही ट्रिगर होता है, ठीक है। यहाँ पर ये टाइमर TD से ट्रिगर होता है, तो यहाँ पर आप चाहो तो TD भी लिख सकते हो या टाइमर नंबर, मैं लिख देता हूँ ताकि मुझे याद रहे। टाइमर नंबर मैंने लिख दिया और यहाँ पर आप इसको आउटपुट दे देंगे डेल्टा कॉन्टेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया डेल्टा कॉन्टेक्ट। अभी आपको ये रेड सिंबल दिख रहा होगा, ये भी हट जाएगा सारा, ठीक है। इसके लिए मुझे करना होगा क्या, अपने इंटरफेस पर जाकर के इनपुट आउटपुट को डिक्लेयर करना होता है, तो अभी हम इसको भी कर लेंगे। पहले मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, ये है मेरा स्टार्ट और ये है मेरा मेन, मेन का कॉन्ट्रेक्टर है, तो यहाँ पर लिखता हूँ मेन कॉन्ट्रेक्टर, और यही मुझे यहाँ भी देना पड़ेगा। कॉपी कर लेता हूँ इसको और यहाँ पर लैच के लिए इसको अप्लाई कर देता हूँ, यहाँ पर ही मुझे लैच करना होगा, तो यहाँ पर भी मैं मेन से इसको लैच कर देता हूँ। तो वन टाइम ऑपरेशन आपका क्या होगा, जब आप स्टार्ट बटन प्रेस करेंगे तो टाइमर T0 ये आपका ऑपरेट हो जाता है, और यहाँ पर हम कुछ वैल्यूज देंगे, तो स्टार्ट करते ही आपका स्टार कॉन्ट्रेक्टर और मेन कॉन्ट्रेक्टर इनेबल होते हैं, और आफ्टर गिवन टाइम इंटरवल यानी कि 7 से 10 सेकेंड के बाद आपका स्टार आपका ऑफ हो जाएगा इस टाइमर टाइमर से ओपन होकर के SODT से, और डेल्टा आपका ऑपरेट हो जाएगा मेन के साथ में। तो यहाँ पर आप टाइमर नंबर की जगह पर आप दे सकते हैं ODT या TD, हम यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैं देखता हूँ TD, दिस इज द बेस्ट TD, ठीक है। और स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी है, जैसे यहाँ पर टाइमर नंबर है तो ये भी TD देना है मुझे, सभी जगह आपको एक जैसा ही नेम रखना है, जैसे TD है तो यहाँ पर भी वही नेम होगा, यहाँ पर भी वही नेम होगा, ठीक है, ओके। अब इसको हमें क्या करना है, इनेबल करना होता है, आपको जस्ट इसको ड्रॉप डाउन करना है, इनपुट पर आ जाइए और यहाँ पर वेरिएबल बताइए, अपने इनपुट के वेरिएबल आपके कौन से हैं। यहाँ पर सबसे पहला वेरिएबल है मेरा स्टॉप, देन है मेरा स्टार्ट, ठीक है, स्टार्ट एंड स्टॉप, बस ये दो इनपुट वेरिएबल हैं, ओके। स्टार्ट एंड स्टॉप आर टू इनपुट वेरिएबल, ओके। आउटपुट पर हमें वेरिएबल बताने पड़ेंगे, ओके। एक इनपुट वेरिएबल आपका और है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी तो आप वैल्यू रखेंगे, यहाँ पर भी वैल्यू रखेंगे, यहाँ पर आपको ये भी डिक्लेयर करने पड़ेंगे TD, दैट इज इनपुट वेरिएबल। और यहाँ पर डेटा टाइप अगर आप लेंगे तो ये यहाँ पर देख रहे हैं कि मैंने स्टार्ट एंड स्टॉप को जैसे ही डिक्लेयर किया, यहाँ पर आपका जो रेड लाइट रेड कलर से जो राइटअप हुआ था वो आपका ग्रीन से हो गया और हैज से डिफाइन हो गया, ठीक है। इसका मतलब है कि यू हैव डिफाइन योर वेरिएबल्स, ठीक है, हैज डिफाइन मीन्स यू हैव डिफाइन योर वेरिएबल्स। बट यहाँ पर क्या हुआ कि TD मैंने डिफाइन तो कर दिया, लेकिन यहाँ पर ये अभी ग्रीन नहीं हुआ, बिकॉज यू हैव नॉट सेलेक्टेड द अप्रोप्रिएट डेटा टाइप, यू हैव टू सेलेक्ट द डेटा टाइप हियर, यू हैव टू सेलेक्ट दिस अप्रोप्रिएट डेटा टाइप, और इसका जो डेटा टाइप है वो क्या है, टाइमर डेटा टाइप होता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आपका TD हो चुका है, इसका जो डेटा टाइप होगा वो क्या होगा, तो यहाँ पर हम पहले इसको मैंशन कर देते हैं, दैट इज TD, और इसका डेटा टाइप होता है S5T, दैट इज S5 टाइम डेटा टाइप, और ये भी आपका हो गया है ग्रीन, ठीक है। और आउटपुट पर मुझे इनको मेंशन करना है, यहाँ पर मैं देखता हूँ इसको स्टार कॉन्ट्रेक्टर डेल्टा कॉन्ट्रेक्टर, एंड मेन कॉन्ट्रेक्टर, जो हमारा लास्ट आउटपुट है उसको भी डिक्लेयर करना पड़ेगा मेन, ठीक है। सारे इनपुट और आउटपुट मैंने डिक्लेयर कर दिए, यहाँ पर भी देख सकते हो,
स्टार कॉन्ट्रेक्टर, डेल्टा कॉन्ट्रेक्टर है मेन, तो सारे आपको ग्रीन हो जाने चाहिए, कोई भी रेड नहीं होना चाहिए। तो ये आपके आउटपुट के वेरिएबल्स हैं, ये आपके इनपुट के वेरिएबल्स हैं। तो ये सारे वेरिएबल्स हमने मेंशन कर दिए हैं, डिक्लेयर कर दिए। नाउ यू कैन चेक योर प्रोग्राम, जस्ट यू हैव टू सेव दिस प्रोग्राम फर्स्ट, यू हैव टू सेव दिस। नाउ सेव, नाउ यू चेक योर OB1 ब्लॉक, यू कैन फाइंड द अपडेटेड ब्लॉक हियर, यू कैन सी द इनपुट एंड आउटपुट साइड। ओके, तो जो भी आपके इनपुट हैं वो आप यहाँ पर इंसर्ट करेंगे, जो आउटपुट हैं आपके यहाँ पर इंसर्ट करेंगे। यहाँ पर आपको देखने में आ रहा है कि FB1 के ऊपर एक रेड सिग्नल आ रहा है, ठीक है। ये इसलिए आ रहा है क्योंकि जो आपका फंक्शन ब्लॉक होता है उसके जो एड्रेस है वो हमेशा डेटा ब्लॉक में स्टोर रहते हैं। तो आपको इस FB1 को एक डेटा ब्लॉक के साथ में इंटरकनेक्ट करना होता है, ठीक है। जो भी डेटा होते हैं आपके वो डेटा ब्लॉक में सेव होते हैं, जो भी इनपुट आउटपुट के जो भी स्टेटस होंगे वो डेटा ब्लॉक में आपके सेव होते रहेंगे। तो यहाँ पर मुझे लिखना है DB, कोई भी डेटा ब्लॉक आप इंसर्ट कर दीजिए DB1। मैंने यहाँ पर DB1 लिखा और इसको एंटर कर दिया, एंड ओके। ये बता रहा है द इंस्टेंट डेटा ब्लॉक DB1 डज नॉट एग्जिस्ट, डू यू वांट टू जनरेट इट, यस। तो ये कह रहा है कि यहाँ पर कोई भी ब्लॉक आपका जनरेट नहीं है। DB ब्लॉक भी मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पर आप DB ब्लॉक इंसर्ट कर सकते हैं यहाँ से डेटा ब्लॉक से। लेकिन ये कह रहा है कि अभी कोई इंसर्ट नहीं है, कि क्या आप इसको इंसर्ट करना चाहते हैं, जनरेट करना चाहते हैं? तो मैंने कहा यस, आई वांट टू जनरेट दिस। ऑटोमेटिकली इफ यू राइट हियर DB1 देन इट विल जनरेटेड हियर ऑल्सो, एंड ऑल द प्रॉपर्टी विल ऑल्सो कंटेन बाई दिस ब्लॉक। यू कैन सी द ऑल द प्रॉपर्टीज, स्टॉप, स्टार्ट, TDTV, स्टार्ट, मेन, डेटा, ऑल द प्रॉपर्टी। यू कैन ऑल्सो विजुअलाइज ऑल द रिजल्ट हियर ऑल्सो। ओके, सो दिस डेटा ब्लॉक इज यूज टू यूज टू स्टोर योर टू स्टोर द डेटा ऑफ फंक्शन ब्लॉक। ओके, फंक्शन ब्लॉक के डेटा को स्टोर करने के लिए ये हमारा यूज होता है। ये मैंडेटरी है, आपको डेटा ब्लॉक लेना ही पड़ेगा, अदरवाइज वो स्टोर नहीं होगा। नाउ यू कैन यूज दिस ब्लॉक एनी टाइम एनी वेयर इन योर प्रोग्राम, और आपको बार बार डेल्टा स्टार डेल्टा कन्वर्टर बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिस इज योर यूजर डिफाइंड ब्लॉक। ओके, नाउ जस्ट राइट हियर इन एड्रेस I0.0, I0.1। TD का एड्रेस आपको रखना है, टाइमर का मैं यहाँ पर ले लेता हूँ T0, और यहाँ पर TV वैल्यू लिखनी है तो आपको 5S5T S10 सेकेंड, ठीक है। एड्रेस हमें यहाँ पर लिखना है, ठीक है। यहाँ पर हमें एड्रेस नहीं लिखना है, ये ध्यान देना आपको कि यहाँ पर कहीं एड्रेस नहीं लिखना है आपको, बिकॉज दिस इज ए फ्लेक्सीबल फंक्शन ब्लॉक। अगर आप यहाँ पर एड्रेस लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, उस पर्टिकुलर एड्रेस के लिए ही फिक्स रहेगा। आपको यहाँ पर वेरिएबल्स लिखने, जैसे स्टॉप, स्टार्ट, मेन, कॉन्ट्रेक्टर, ये चीज़ें जो आपको अपने ब्लॉक्स में रिप्रेजेंट करनी है उनको यहाँ पर डिक्लेयर करना है, और देन उसको डिक्लेयर करने के बाद आपको एड्रेस मेन में ही देना है यहाँ पर, जब आप ब्लॉक्स को यूज़ कर रहे हैं। जैसे आप यहाँ पर ब्लॉक को ही ब्लॉक यूज़ करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप इंटीजर फंक्शन में एड ब्लॉक यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई डेटा आया हुआ नहीं आया हुआ, आपको यहाँ पर डेटा मेंशन करना होता है। प्रोग्रामर ने क्या किया है कि IN1 और IN2 आउटपुट इनको क्या करा है, बैकएंड पर डिजाइन किया है, जैसे मैंने अभी तक किया एज इट इज। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, आउटपुट लिखना है, स्टार कॉन्ट्रेक्टर का आउटपुट Q0.0, Q0.1, डेटा कॉन्ट्रेक्टर एंड मेन कॉन्ट्रेक्टर इज Q0.3, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर S1 लिखा हुआ है, तो एडिट सिंबल में जा करके आप इसको मेंशन कर सकते हैं, या रेफरेंस टेबल में गो टू रेफरेंस टेबल, सिंबल टेबल में जा करके यहाँ पर देखिए बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, पहले से इसमें काफ़ी चीज़ें मेंशन है, तो ये ऑटोमेटिकली उन एड्रेस को कंटेन कर लेता है। आपको यहाँ पर इनके नेम चेंज करना है एड्रेस के आगे, तो ये डेटा भी आपके नेमिंग वगैरह चेंज हो जाएगी, ठीक है। कोई बात नहीं, हम यहाँ पर इसको डाउनलोड कर लेते हैं और इसको मॉनिटर करके चेक करते हैं क्या ये आपका स्टार्ट डेटा कन्वर्टर की तरफ काम करता है या नहीं। तो यू कैन चेक दिस, जब मैं स्टार्ट बटन को प्रेस करूँगा तो इनिशियल स्टेट में स्टार कॉन्ट्रेक्टर, मेन कॉन्ट्रेक्टर क्या हो जाएंगे, मोटर को सप्लाई प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो आपका जो मोटर है वो स्टार और मेन पर कनेक्ट होता है, और आफ्टर 10, यहाँ पर हमने टाइम दिया है 10 सेकंड का, या 7 to 10 सेकंड दे सकते हैं। तो 10 सेकंड के बाद क्या होगा, स्टार आपका ऑफ हो जाएगा और मेन आपका ऑपरेट हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे जैसे मैंने फंक्शन ब्लॉक के अंदर भी बनाया है प्रोग्राम, तो यहाँ पर भी आप इसको समझ सकते हैं कि जब मैं स्टार्ट को प्रेस करूँगा तो टाइमर आपका ऑन हो जाएगा, इधर लैच हो जाएगा सर्किट, और इसको रिलीज भी कर दूंगा तो टाइमर स्टिल ऑन रहेगा। जब मैं इसको स्टार्ट को प्रेस करूंगा तो ऑटोमेटिकली स्टार आपका ऑपरेट हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पर दोनों ही
बटन क्या है आपके एनसी है, कॉन्टैक्ट दोनों ही क्या है एनसी है, बिकॉज ऑफ दिस स्टार कॉन्टैक्ट आपका एक्टिवेट हो जाएगा और मेन भी आपका एक्टिवेट हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पर भी मैंने इनपुट दिया है स्टार्ट का ही, इसे मेन को भी, मेन कॉन्टैक्टर आपका टाइमर, मेन कॉन्टैक्टर और स्टार कॉन्टैक्टर एक साथ ऑपरेट होंगे इनिशियली, ठीक है। 10 सेकंड के बाद क्या होगा, यहाँ पर टाइम वैल्यू में अगर 10 सेकंड दे देता हूँ तो 10 सेकंड के बाद टीडी आपका हाई हो जाएगा, इससे ये ओपन हो जाएगा और स्टार ऑफ हो जाएगा और यहाँ पर टीडी का एनो क्लोज हो जाएगा और डेटा ऑपरेट हो जाएगा, ठीक है। मेन हमेशा ऑन ही रहेगा, तो मेन पर मैंने टीडी का कुछ भी नहीं दिया है तो मेन हमेशा ऑन ही रहेगा जब तक कि आप स्टॉप बटन को प्रेस नहीं करते, बस यही ऑपरेशन आपका ब्लॉक में ऑपरेट होगा यहाँ पर, ठीक है। अब आप यहाँ पर इनपुट प्रेस कीजिए, यहाँ पर मैं इनपुट देता हूँ I0.1 पर, स्टार्ट पर इनपुट देता हूँ I0.1 पर, तो आप देखेंगे यहाँ पर स्टार कॉन्टैक्टर इनेबल हो गया है और यहाँ पर मेन कॉन्टैक्टर भी इनेबल हो गया, यहाँ पर भी देख सकते हैं, और आफ्टर 10 सेकेंड स्टार जो है ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा, स्टार कॉन्टैक्टर डिसेबल हो जाएगा और डेल्टा कॉन्टैक्टर को इनेबल कर देगा। यहाँ पर भी आप रिजल्ट देख सकते हैं Q0.1 पर और Q0.2 पर। अगर मैं स्टॉप स्विच को प्रेस करता हूँ, I0.0 को मैंने प्रेस किया, तो आप देखेंगे कि स्टॉप स्विच को प्रेस करते ही आपका डेल्टा भी ऑफ हो गया है और मेन कॉन्टैक्टर भी ऑफ हो गया है। अगेन इफ़ यू वांट टू स्टार्ट अगेन दिस मोटर देन क्लिक हियर ऑन I0.0 एंड यू कैन सी द रिजल्ट, स्टार कॉन्टैक्टर इनेबल हो गया है, मेन कॉन्टैक्टर भी इनेबल हो गया है और आफ्टर 10 सेकेंड ऑटोमेटिकली स्टार आपका क्लोज हो जाएगा और डेल्टा ऑपरेट हो जाएगा मेन के साथ, ठीक है। सो दिस इज़ योर फंक्शन ब्लॉक। इस तरीके से आप अपने यूजर डिफाइंड ब्लॉक्स को कभी भी कहीं भी प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं, आपको बार बार प्रोग्राम को बनाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही आप मोटर स्टार्टर को बना सकते हैं या कोई भी ब्लॉक, कोई भी प्रोग्राम आप सोचते हैं कि ये मल्टीपल टाइम यूज़ हो रहा है आपके प्रैक्टिस में, तो आप उसको ब्लॉक में क्रिएट कर सकते हैं और कभी भी उसको अपनी लाइब्रेरी से इंसर्ट करके प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।